हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल क्लास 12 की टाइट्रेशन के बारे में। इसके दो एक्सपेरिमेंट है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट है KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड, सेकंड है KMnO4 एंड मोहर्स सॉल्ट। तो दोनों के बारे में हम, इनके प्रोसीजर के बारे में, केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारी टाइट्रेशन है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी ना तो एंड पॉइंट आएगा। अगर हम KMnO4 की बात करें, पोटेशियम परमैंगनेट की, तो ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। खुद ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, और इसकी रिएक्शन ना हम एसिडिक मीडियम में करेंगे। MnO4 नेगेटिव जो है वो Mn2+ बनाता है। इसका अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ये X होगा, ऑक्सीजन का -2 × 4 -1, तो ओवरऑल ये हो जाता है +7। +7 से +2 जा रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे तो आप यहाँ पे 4 H2O ऐड करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 H+ ऐड करोगे। चार्ज देखते हैं, यहाँ पे ओवरऑल +2 चार्ज हो गया, -1 +8 हो जाएगा +7, +2 यहाँ पे कितना चार्ज है, +7 है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों तरफ ये बैलेंस हो जाएगा। हम ना इसमें ना एसिडिक मीडियम के लिए डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं। हम नाइट्रिक एसिड यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम HCl भी यूज़ नहीं करते। HCl यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि रिएक्शन के बीच में ना जो HCl है ना, वो क्या Cl2 बना देता है, और Cl2 एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। सो दैट्स वाई हम डाइल्यूट H2SO4 को ही एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सैलिक एसिड और जो मोहर सॉल्ट है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सबसे पहले हम KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड लेंगे। इसमें हमें दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले प्रिपेयर करना है 100 ml ऑफ M/20 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हम M/40 भी कर सकते हैं, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज करना है, तो हम M/20 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 100 ml बनाएंगे। सेकंड, कैलकुलेट करेंगे मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सोल्यूशन। ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ब्यूरेट, पिपेट, स्टैंडर्ड फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क, फनल एंड टेस्ट ट्यूब, और जो केमिकल रिक्वायर्ड है KMnO4 सॉल्यूशन, ऑक्सैलिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4। अगर ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है COOH H2O, और इसका मॉलिकुलर मास और मोलर मास होता है 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब हमें ना पता करना है 1/20 जो मोलर सोल्यूशन है, हमें बनाना है ऑक्सैलिक एसिड 100 ml, तो इसमें कितना ग्राम्स ऑफ हमें ऑक्सैलिक एसिड चाहिए। तो हमने क्या लिया, 1/20 हमें क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है, और हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, यह हम 1/20 लिखेंगे। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके इक्वल होता है, मास बाय मोलर मास, और वॉल्यूम हमें 100 ml दिया हुआ है, हम इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000। मोलर मास हमें ऑलरेडी पता है, ये है 126 ग्राम पर मोल, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, ये 1000 ऊपर चला गया। अब क्या करेंगे, हम मास पता करेंगे, ये वैल्यू है ऊपर चले जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा 126/200। तो जब हम मास कैलकुलेट करेंगे ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये आ जाएगा 0.63 ग्राम्स। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 100 ml ऑफ M/20 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। हम एक एम्प्टी वॉच क्लॉथ लेंगे और उसका हम वे करेंगे केमिकल बैलेंस पे, और इसे हम 0 कर देंगे। नेक्स्ट हम उसमें वे करेंगे 0.63 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ये अभी हमने पता किया था। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फनल, अब फनल से ना इसे हम ट्रांसफर करेंगे ऑक्सैलिक एसिड को इन मेजरिंग फ्लास्क। इसको हम स्टैंडर्ड फ्लास्क भी कहते हैं। हम 100 ml की स्टैंडर्ड फ्लास्क लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइन होती है, यहाँ पे नाउ वॉश फनल विद डिस्टिल वाटर। जैसे आप ट्रांसफर करोगे ना ऑक्सैलिक एसिड को, तो यहाँ पे फनल लगे रहने देना, और यहाँ पे डिस्टिल वाटर क्या करना है, इसमें डालना है, ताकि जितने भी क्रिस्टल है ना वो स्टैंडर्ड फ्लास्क में आ जाए। मेक द सोल्यूशन अप टू द मार्क। अब यहाँ पर जो मार्क है ना 100 ml का, तो सोल्यूशन को हमें यहाँ तक फिल करना है विद डिस्टिल वाटर, एंड मेक श्योर ऑक्सैलिक एसिड इज फुली डिसॉल्व। उसके बाद इसको क्लोज करके, इसको अच्छे से शेक करके हम मेक श्योर करेंगे जो ऑक्सैलिक एसिड है वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया है। बी है, हम टाइट्रेशन करेंगे ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन का अगेंस्ट पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन ना किसमें डालेंगे, ब्यूरेट में डालेंगे। ब्यूरेट को सबसे पहले हम रिंस करेंगे, उसके बाद हम KMnO4 से उसे फिल करेंगे। अगर कोई एयर बबल प्रेजेंट है उसके नोजल में, तो उसको रिमूव करने के लिए हम थोड़ा सा सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, रिलीज करते हैं ताकि कोई एयर बबल इसमें प्रेजेंट नहीं हो। नेक्स्ट हम ना एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में हम 10 ml ऑफ M/20 ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, जो हमने स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर किया था ना, उसका हम 10 ml लेंगे और उसको के लिए ना हम पिपेट से उसे निकालेंगे। पिपेट 10 ml का होना चाहिए, यहाँ पे मार्किंग है तो यहाँ तक हम उसे फिल करेंगे। उसे हमने कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया और उसके बाद उसमें 1 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाल देते हैं। अब ये जो कॉनिकल फ्लास्क है जिसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है, इसको 50 टू 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है काफ़ी स्लो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो इसको फास्ट करने के लिए 50 से 60 डिग्री पे इसे हीट करते हैं। कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सोल्यूशन टू बी टाइट्रेटेड ओवर, तो अब ये जो कॉनिकल फ्लास्क है ना, तो इसके नीचे ना हम वाइट ग्लेस टाइल, ताकि हम ना सोल्यूशन को देख पाए, तो हम वाइट टाइल डाल सकते हैं या आप वाइट पेपर भी नीचे डाल सकते हो ताकि जो कलर चेंज हो आप जल्दी डिटेक्ट कर पाओ। इनिशियल रीडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ परमैंगनेट सोल्यूशन इज नोटेड। हम क्या करते हैं, जो इनिशियल रीडिंग है जहाँ तक हमने फिल किया V1 वहाँ तक हम रीडिंग को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, एड इट इन ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन वाइल स्वेलिंग द कंटेंट। हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क था, इसमें अभी हमने हीट किया था ऑक्सैलिक एसिड, उसमें हम इसे ओपन करके धीरे धीरे करके KMnO4 हम डालेंगे और इसे स्वेल करेंगे, मतलब इसे हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे। अब जो वायलेट कलर है ना KMnO4 सोल्यूशन इज डिस्चार्ज ऑन रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। अब KMnO4 और ऑक्सैलिक एसिड के बीच में क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी और KMnO4 का वायलेट कलर क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन हो रहा है। एंड पॉइंट कब आता है, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो गया ना, थोड़ा सा एक्सेस ऑफ KMnO4 सोल्यूशन जब जाता है ना, तो इसकी वजह से लाइट पिंक कलर आता है। तब आपको रीडिंग क्या करनी है, स्टॉप करनी है और आपको नोट करनी है V2 - V1 हमारी एक रीडिंग हो जाएगी। हमें ये टाइट्रेशन फिर से रिपीट करनी है, मतलब हमें अगेन 10 ml ऑफ ऑक्सैलिक एसिड सोल्यूशन लेना, कॉनिकल फ्लास्क में H2SO4 डालना है, इसको हीट करना है, फिर से हमने इसको नीचे लाना है। ठीक है, फिर से जैसे V2 से हम V3 तक रीडिंग नोट करेंगे। हम रिपीट करेंगे 3 कॉन्कार्डेंट रीडिंग, मतलब 3 बार रीडिंग लेंगे जो सेम आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 3 रीडिंग हम लेंगे जो सेम होगी। अब जो KMnO4 होता है ना, ये डार्क सोल्यूशन होता है। अपर मिनिस्कस इज कंसीडर फॉर ब्यूरेट रीडिंग। जब भी हम रीडिंग लेंगे ना, तो अपर मिनिस्कस से हम ब्यूरेट रीडिंग चेक करते हैं। नेक्स्ट हम रीडिंग नोट करेंगे, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 3 कॉन्कार्डेंट रीडिंग चाहिए। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन ml क्या, तीनों में 10 ml हम लेंगे। ब्यूरेट रीडिंग इनिशियल फाइनल, ये V1 होगा, V2 होगा और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज होगा V2 - V1। हमें तीनों रीडिंग सेम चाहिए, हमारी सपोज तीनों रीडिंग X आ गई। अब हम ना दोनों की रिडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, अब हमें पता है रिडक्शन हाफ में क्या होता है, MnO4- प्लस 8H+5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2++4H2O बनाता है। अब सेकेंड हाफ में क्या होता है, जो ऑक्सैलिक एसिड है ना, तो इसमें ऑक्सलेट आयन होता है C2O4-, ये क्या होता है 2CO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ बनाता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा N1 M1 V1 KMnO4 के लिए, N2 M2 V2 फॉर ऑक्सैलिक एसिड। N क्या होता है, N फैक्टर होता है। एन फैक्टर मतलब जो हमारा KMnO4 में कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करा था, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करा था, तो इसका एन फैक्टर 5 है। और ये C2O4-, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, M1 हमें मोलारिटी फाइंड करनी है, वॉल्यूम हमें यहाँ रीडिंग से मिलेगा, हम वॉल्यूम सब्सिट्यूट कर देंगे X, जो भी हमारा निकला, यहाँ पे N2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोलारिटी हमने कितनी ली थी, 1/20 लिया था और वॉल्यूम कितना लिया था इसका, 10 लिया था, तो हम M1 मतलब मोलारिटी ऑफ KMnO4 इस कैलकुलेशन से हम निकाल सकते हैं M1। नेक्स्ट हमें स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 निकालना है, मतलब कितना ग्राम प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो हम मोलारिटी ऑफ KMnO4 जो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इनटू मोलर मास करेंगे। मोलर मास होता है KMnO4 का 158, तो मोलारिटी इनटू मोलर मास से हमें स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 मिलेगा और इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। सेकेंड टाइट्रेशन है KMnO4 एंड मोहर सॉल्ट। सबसे पहले इसमें प्रिपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ 100 ml ऑफ M/10 ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। सेकेंड हम मोलारिटी और स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। हमें चाहिए M/10 ऑफ मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो मोहर सॉल्ट होता है, ये होता है फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 twice SO4.6H2। इसका मोलर मास होता है 392 ग्राम पर मोल। हमें 1/10 का मोलर फाइंड करना है, इसका सोल्यूशन बनाना है, तो हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम हमने 100 ml लिया था, हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 1000, ये 10 ऊपर चले जाएगा। मोलर मास हमें पता है 392, तो मास कितना हमें चाहिए होगा मोहर सॉल्ट का, तो मास इस 392 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा 3.92 ग्राम्स। सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे m/10 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट और मोहर सॉल्ट। हम 3.92 ग्राम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट का वे करेंगे, अभी हमने कैलकुलेशन किया था। इसे हम ट्रांसफर करेंगे स्टैंडर्ड फ्लास्क में थ्रू फनल, ठीक है, और ये होना चाहिए 100 ml का, यहाँ पे मार्क होगा। ट्रांसफर सॉलिड स्टिकिंग टू द फनल विद हेल्प ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। थोड़ा सा सॉलिड यहाँ पे स्टिक कर सकता है, तो डिस्टिल्ड वाटर से हम इसे फिल करेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 ताकि हमें क्लियर सॉल्यूशन मिले, मतलब ये अच्छे से यहाँ पे डिसॉल्व हो जाए। शेक द फ्लास्क, फ्लास्क को हम शेक करेंगे टिल द सब्सटेंस डिसॉल्व, जब तक सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाए। मेक द सोल्यूशन अप टू द मार्क, हम डिस्टिल्ड वाटर से ना इसे इस मार्क 100 ml तक मार्क तक फिल करेंगे और इसे अच्छे से डिसॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट हम टाइट्रेशन करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन, जो हमारा मोहर सॉल्ट का सोल्यूशन है, अगेंस्ट द पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, जो हमारा KMnO4 सोल्यूशन है। हम सबसे पहले ब्यूरेट लेंगे जो क्लीन होना चाहिए, उसे रिंस करेंगे विथ KMnO4 सोल्यूशन और उसे हम फिल करेंगे। हम एयर बबल कोई है तो इसमें से रिमूव करेंगे। नेक्स्ट हम 10 ml ऑफ m/10 फेरस अमोनियम सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में। हम पिपेट से लेंगे, पिपेट होना चाहिए हमारा 10 ml का, यहाँ पे रीडिंग है, यहाँ तक फिल करेंगे और इसे कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे और साथ में हम ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 एक टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट, इसमें हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है, ऑक्सैलिक एसिड वाले सोल्यूशन में हमने हीट किया था, बस इसमें हीटिंग रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फास्ट रिएक्शन है, और अगर आप हीट करते हो तो जो फेरस आयन है फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है बाय ऑक्सीडेशन विद एयर, और हमारी रीडिंग में ना चेंज आ जाता है। हम क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, KMnO4 सोल्यूशन यहाँ पे डालेंगे मोहर सॉल्ट सोल्यूशन में, यहाँ पे रिएक्शन होगा और जैसे ही क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट आएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, परमानेंट पिंक हो जाएगा बिकॉज ऑफ KMnO4 सोल्यूशन जो एक्सेस में होगा थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद रीडिंग नोट करेंगे, रिपीट द टाइट्रेशन। फिर से हम क्या करेंगे, सोल्यूशन वापस लेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन 10 ml, फिर से डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। तो जितने भी रीडिंग्स हैं हम नोट करेंगे अनटिल हमें 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग मिल जाए, मतलब 3 रीडिंग हमें सेम मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हम रीडिंग लेंगे, सीरियल नंबर, वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, ब्यूरेट रीडिंग, इनिशियल V1, फाइनल V2, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, यूज V2 - V1। वॉल्यूम ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट हमने लिया है 10 ml, ठीक, कॉनिकल फ्लास्क में 10 ml लिया था। इनिशियल और फाइनल रीडिंग हम नोट करेंगे, लिखेंगे V2 - V1। तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए, कंकॉर्डेंट रीडिंग आनी चाहिए, वैल्यू हम x ले लेंगे, ठीक है। आपको कुछ वैल्यू आएगी बट ये सेम होनी चाहिए। हमें पता था जो हमारा KMnO4 है और MnO4 नेगेटिव है, ये ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, तो इसका क्या होता है, रिडक्शन हाफ होता है, तो ये खुद रिड्यूस होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, +8H+Mn2+N4H2O। अब क्या होता है, जो फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, इसमें फेरस आयन ना फेरिक में कन्वर्ट होता है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ ये होता है इसका, ये क्या शो करता है, ऑक्सीडेशन, फेरस फेरिक में +1 इलेक्ट्रॉन, और खुद ये क्या करता है, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। अब दोनों क्या कर रहे हैं, साथ में रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों को इक्वेट कर लेंगे, N1 M1 V1, KMnO4 N2 M2 V2 फॉर मोहर सॉल्ट। N1 और N2 क्या है, हमारा N फैक्टर है। ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 5 कर रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। ये M1, इसे हम वॉल्यूम को x ले लेंगे, ये हो जाएगा N2 M2 V2। N2 कितना होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 है। मोलारिटी हमने फाइंड किया था स्टार्टिंग में, सोल्यूशन बनाया था 1/10 m बनाया था, तो 1/10 हो जाएगा। वॉल्यूम हमने 10 ml लिया, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा M1 आ जाएगा 1/5 × x। x की आपको यहाँ से रीडिंग मिली है, तो हमें मोलारिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 निकालेंगे, तो जो मोलैरिटी है इनटू क्या करेंगे, हम मोलर मास करेंगे। KMnO4 का मोलर मास होता है 158, तो हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगा विच इज़ इन ग्राम पर लीटर। तो ये था हमारा दोनों टाइट्रेशन। अगर आपको वाइवा क्वेश्चन करने हैं तो उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, सॉल्ट एनालिसिस का भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।